अब जबकि हम समझ चुके हैं कि कॉज एंड इफेक्ट की जो फिलॉसफी है वो क्या है, तो अब समझते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट को हम एज अ टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं। टूल का मतलब होता है सिक्स सिग्मा में कि हम उसे कैसे यूज़ करके समझें कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं और उनको उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे यूज़ कर सक उस जो हमने प्रॉब्लम्स ढूंढी हैं उनको फिक्स करके हम अपना आउटपुट इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो इसको जब हम एज अ टूल यूज़ करते हैं तो हम इसे बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। इसके कुछ और भी नाम हैं जैसे कि CED, बेसिकली इसी का शॉर्ट फॉर्म है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का। फिर इसे बोलते हैं फिश बोन डायग्राम। फिश बोन डायग्राम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी शेप कुछ ऐसी होती है फिश बोन की तरह। यहाँ पे हम अपने कॉजेज लिखते हैं और यहाँ पे हमारा इफेक्ट होता है, ठीक है, या जो भी प्रॉब्लम है। तो इसकी शेप ऐसी होती है इसलिए इसे फिश बोन डायग्राम भी बोलते हैं। फिर इसको और भी एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है इशिकावा डायग्राम। बेसिकली इशिकावा डायग्राम क्यों, क्योंकि जो इनके क्रिएटर थे उनका नाम था कराओ इशिकावा, उन्होंने ये डायग्राम फर्स्ट टाइम यूज़ की थी, तो उनके नाम से इसको जाना जाता है एज ए इशिकावा डायग्राम। अगर हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम की बात करें तो बेसिकली अगर सिक्स सिग्मा में ये एक एनालाइजिंग और ट्रेंडिंग टूल की तरह यूज़ किया जाता है। तो एनालाइजिंग का मतलब क्या है कि बेसिकली हम सारे देखते हैं कि हमारे कॉजेज क्या क्या हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके पीछे क्या क्या कॉजेज हैं उनको हम एनालाइज करते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि कौन सी कॉज के कारण हमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो एज अ टूल इसको हम एनालाइजिंग और ट्रेंडिंग टूल बोलते हैं सिक्स सिग्मा में। तो जो ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है ये करता क्या है, ये डिस्प्ले करता है जितनी भी जेनरिक कैटेगरीज हो सकती हैं जो कि हमारे को जो हमारे को प्रॉब्लम आ रही है या जिसको हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं उसको जितनी भी कैटेगरीज उसके साथ रिलेटेड हैं ये उसको डिस्प्ले करने में हेल्प करती है। वो जेनरिक कैटेगरीज कुछ भी हो सकती हैं, जैसे पीपल जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ मेथड्स वो काम कैसे हो रहे हैं, इक्विपमेंट क्या मशीनरी यूज़ हो रही है, मेजरमेंट के लिए कौन से टूल्स यूज हो रहे हैं और एनवायरनमेंट कैसा है जहां पे ये काम कर रहे हैं। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये कॉज करती हैं या जो भी इफेक्ट है इनका आउटपुट पे होता है या जिसको हम मानते हैं कि हमारा जो आउटपुट है जिसके लिए हमारे को या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके कॉजेज ये हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ये कुछ ऐसा होता है, तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो आप जब भी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाते हैं तो आप ऐसे बनाते हैं। यहां पे आप अपनी प्रॉब्लम लिखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और यहाँ पे आप ये मेजर जेनरिक कैटेगरीज लिख देते हैं जैसे पीपल, फिर यहाँ पे आप लिख दोगे टूल्स या मेजरमेंट्स, यहाँ पे आप लिख दोगे एनवायरनमेंट और भी जो और भी फैक्टर्स रहते हैं हमारे, मेथड्स कैसे यूज हो रहे हैं, तो ये सारे हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं ताकि इन कारणों की वजह से हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर यहाँ पे ही नहीं छोड़ देते, फिर हम आगे भी लिखते हैं कि कौन कौन से टूल से हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी हम ऐसे लिखते हैं। तो इसके कारण अगर आप इसकी शेप देखेंगे तो बिल्कुल एक फिश बोन की तरह है, तो इसीलिए इसे फिश बोन डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इट वॉज फर्स्ट अप्लाइड बाई कराओ इशिकावा इन 1950। अब ये फर्स्ट टाइम कराओ इशिकावा ने 1950 में यूज़ की थी। दिस डायग्राम इज यूज टू सिस्टमैटिकली एनालाइज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये हमारे को एक सिस्टम देता है जिससे हम पता चला सकें कि जो कॉज है उसका क्या इफेक्ट है। तो बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझने में हमारी हेल्प करता है एंड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, और समझने में मदद करता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका क्या रूट कॉज है। अगर हम एक बार इस रूट कॉज को समझ जाएंगे तो ऑब्वियसली हम उसे हटा देंगे और अपने प्रोसेस को या आउटपुट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब भी हम सिक्स सिग्मा में किसी टूल की बात करते हैं तो उसकी कोई एप्लीकेशन होती है, वो कोई जगह पे यूज़ होना होता है कि हम इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम की बात करें तो ये हेल्प करती है टीम को टू रीच टू अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये मदद करती है टीम की, मान लीजिए बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। देखिए कितने फैक्टर्स आ जाते हैं जब भी हम किसी प्रोसेस की बात करते हैं कि कितने चीज़ें आ गई, पीपल मेथड इक्विपमेंट मेजरमेंट। अब इस किसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है जो कि हमारे को अल्टीमेटली हमारे आउटपुट में दिख रही है, तो ये कितना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है। लेकिन इस टूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं सारे फैक्टर्स को। पीपल को हम लिख सकते हैं कि हमारे पीपल में हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो ये हमारे को ब्रेक डाउन में हेल्प करता है एक बड़ी प्रॉब्लम को, उसको छोटे छोटे हिस्सों में हेल्प करता है कि उसको ब्रेक डाउन कर सकें ताकि हम
हर फैक्टर को अच्छी तरह समझें और देखें कि कौन सा फैक्टर जो है जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम दे रहा है। ये हमारी टीम एक्सपैंड करता है टीम की थिंकिंग को, क्योंकि नेचुरल है जब वो इतने अलग अलग तरीकों से अपनी प्रॉब्लम को देखेंगे तो उनकी थिंकिंग एक्सपैंड होगी, और ढूंढने में मदद करता है कि सारे पोटेंशियल कॉसेस। तो हम जब इतने तरीके से अपनी लिख देते हैं अपने कि कौन कौन से कॉजेज हैं, तो हमारे को अपने सारे पोटेंशियल कॉजेज इस डायग्राम की मदद से हमें नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ये डिफाइन करता है मेजर कैटेगरीज और सोर्सेज ऑफ रूट कॉजेज। तो ये जो डायग्राम की मदद से हमें मेजर सोर्सेज मिल जाते हैं कि क्या क्या रूट कॉजेज हो सकते हैं एक प्रॉब्लम के। ये ऑर्गेनाइज और एनालाइज करता है रिलेशनशिप और इंटरैक्टिव फैक्टर्स, कि कौन से क्या क्या रिलेशनशिप है इस फैक्टर का इस प्रॉब्लम के साथ, या कौन कौन से दो इंटरैक्टिव फैक्टर्स हैं, कि दो फैक्टर्स मिलकर प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं। To identify factors that could improve a process. Obviously, हम इन सारे जब इनको अच्छी तरह ध्यान से समझेंगे पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर सकें और अपने प्रोसेस को बेहतर बना सकें। तो जब भी हम सिक्स सिग्मा में या कोई भी हम टूल यूज़ करते हैं ना, तो आप एक चीज़ समझिए कि वो टूल कभी भी आइसोलेशन में इस्तेमाल नहीं होता। उस टूल को यूज़ करने के लिए भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ टूल्स की जानकारी होनी चाहिए, और उस टूल को यूज़ करके जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं ना, वो बेसिकली इनपुट बन जाते हैं कुछ और टूल्स का। क्योंकि सिक्स सिग्मा क्या है, बहुत सारे टूल्स की एप्लीकेशन है जिससे हम अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। तो जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, हम इसमें देख लेते हैं कि अगर हमें कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनानी है तो हमें कौन से टूल्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत सिंपल है। पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि अलग पांच छह लोग बैठते हैं, वो सोचते हैं कि कौन कौन सी हमारे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उन प्रॉब्लम्स को फिर वो देखते हैं, उनको प्रायोरिटी देते हैं कि किस प्रॉब्लम की वजह से कौन किसका मैक्सिमम इम्पैक्ट आउटपुट पे है, या कौन सी चीज़ हमें दिक्कत नहीं दे रही उसे लिस्ट से हटा देते हैं। फाइव वाइज। अब फाइव वाई बेसिकली क्वेश्चन आस्किंग टेक्निक है। आप पांच क्वेश्चन एक के बाद एक पूछते हो ताकि आप रूट कॉज तक पहुंच सको। ब्रेन राइटिंग पूल। ब्रेन राइटिंग पूल ऑलमोस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग तरह होता है, पर आप यहाँ पे एक स्लिप्स पे लिखते जाते हो कि कौन कौन सी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ताकि आप फाइंड आउट कर सको कि किसके कारण हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्या रूट कॉज है। ऐसे ही 5W2H मेथड और 6-3-5 मेथड, ये सारे क्या हैं, क्वेश्चन आस्किंग मेथड्स हैं, और ये सारे टूल्स हम यूज़ करते हैं जब हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाते हैं। ऐसे ही जब हमने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम यूज़ की, जो भी हमारा रिजल्ट आया उसको हम यूज़ करते हैं कुछ और टूल्स में, जिनको हम बोल देते हैं आफ्टर टूल्स, कि इसके रिजल्ट्स का हमने जो इनपुट आया वो इनमें चला गया। वो है प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन, वर्क फ्लो एनालिसिस, परेटो चार्ट, काउंटर मेजर मैट्रिक्स और प्रॉब्लम एनालिसिस। जब भी हम किसी टूल की बात करते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसको टूल को वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और कौन से ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो उसका यूज़ करते हैं। तो जब हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम की बात करते हैं तो इसे हम चेंज मैनेजमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जहाँ हमें चेंजेस लानी है हम कैसे लेके आएँ, तो हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। फिर कस्टमर और क्वालिटी मैट्रिक्स, कि बेसिकली हमारी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमारे क्वालिटी मैट्रिक्स क्या हैं, हम कौन सी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, उन सब के लिए भी हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का यूज़ करते हैं। ये सर्विस एंड सपोर्ट में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, मार्केटिंग में यूज़ होता है, सेल्स में यूज़ होता है, और डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर हम बात करें कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम की, इसको रिसर्च में यूज़ किया जाता है, और इसे इनोवेशन इंजीनियरिंग, जब हमें नए नए प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं तो हम उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें देखना होता है कि अगर हम कुछ नया बना रहे हैं तो उसमें कौन से पोटेंशियल कॉजेज हैं जो हमारे प्रॉब्लम दे सकते हैं, या कौन से चेंजेस का क्या असर पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट पे। तो इनोवेशन इंजीनियरिंग में यूज़ होता है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो हम अब देखते हैं कि हमारे को ये बेसिकली हेल्प कैसे करता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। तो पहले हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं और डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है या अपॉर्चुनिटी क्या है। जब भी मैं प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, प्रॉब्लम है कि हमें पता है कि हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको लिख लेते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम है, और इसके लिए हमने फिर ढूंढते हैं कि हमारे कॉजेस क्या हैं, ठीक है, ताकि हम समझ सकें कि किस कारण हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। या अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें कि हम इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम इसे कैसे इम्प्रूव करें उसके हम तरीके ढूंढेंगे।
फिर हम आइडेंटिफाई और एनालिसिस करते हैं कि कॉजेज क्या हैं. हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ लिख के कि बेसिकली कौन सी कारण से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, या कौन से ऐसे पोटेंशियल चीज़ें हैं जिनके कारण हम इस अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं या प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं. फिर हम एक प्लान बनाते हैं कि हम कौन सी ऐसी, जो हमारे को जब हम इसको समझते हैं हमारे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के थ्रू, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है हमारे को, तो हम उस पर प्लान बनाते हैं कि हम उसको कैसे चेंज करें. अगर तो वो कोई प्रॉब्लम दे रही है तो हम रूट कॉज ढूंढ के उसको हटाने की कोशिश करते हैं. फिर हम वही जो हमने जो प्लान बनाया था कि हमने इसे उसको हटा के हम उसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि वाकई हमारा जो आउटपुट है उसमें कुछ फ़र्क आया या नहीं आया. उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे इवेल्युएट करते हैं, फिर जो भी हमारे रिजल्ट्स आते हैं हम उन्हें मेजर करते हैं और रिपोर्ट करते हैं, ताकि हम बता सकें कि कौन से रूट कॉज पर हम पहुँचे थे, हमने क्या प्लान बनाया उसे इम्प्रूव करने का या उसको रिमूव करने का, उसके क्या रिजल्ट्स रहे, वो हमें सब कुछ हमें एक रिपोर्ट बना देते हैं. तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप. बट उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूंगी ताकि आपको वो याद रहें जब हम ये जानें कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाई कैसे जाती है. तो पहली चीज़ तो आप एक याद रखें कि जो जेनरिक कैटेगरीज होती हैं ना, वो सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं. मेरे कहने का मतलब था, जेनरिक कैटेगरीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मान लीजिए ये मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मेरी कुछ जेनरिक कैटेगरीज में मैं डिवाइड कर दूंगी क्या क्या कॉजेज हैं. फॉर एग्जांपल अब मैं लिख दूंगी यहाँ पे मेथड्स, लेकिन इस मेथड्स को मैं प्रोसीजर्स भी लिख सकती हूँ. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ऐसे ही अगर मेरी जेनरिक कैटेगरी इक्विपमेंट है तो कुछ टीम्स उसको एज फैसिलिटीज भी लिख सकती हैं, ठीक है. तो कभी कंफ्यूज मत होइए, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने यही जेनरिक कैटेगरीज जो मैं आपको बताऊंगी हमें हमेशा वही यूज़ करनी है. आपको अपने प्रोसेस के हिसाब से अपनी जेनरिक कैटेगरीज चूज़ करनी है. और दूसरा जो चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि कभी भी किसी भी कैटेगरी को ओवरलोड मत कीजिए. जैसे अगर यहाँ पे मैं मेथड चूज़ कर रही हूँ, अगर मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मेथड में बहुत अलग अलग चीज़ें आ गई, इंस्ट्रक्शंस आ गई, पॉलिसीज आ गई, वर्कफ्लो आ गया, तो मैं इसको ओवरलोड ना करूं. ओवरलोड ना करके मैं फिर क्या करूं? अब मुझे तो सारी इन्फॉर्मेशन देनी है जो मेरे पास है, जितने भी हैं, तो मैं क्या करूं? एक नई न्यू कैटेगरी बना लूं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अब इंस्ट्रक्शंस में बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे डालनी है, तो मेथड्स के साथ साथ मैं एक नई कैटेगरी बना दूं इंस्ट्रक्शंस, और मैं जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ मैं वहाँ दे दूँ. उससे क्या होता है कि कोई भी कैटेगरी ओवरलोड नहीं होती. और जब हम कहीं भी ओवरलोडिंग कर देते हैं ना, तो क्या होता है कि कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं. तो इसलिए हम हमेशा अपनी कैटेगरीज को ऐसा रखते हैं कि वो ईजिली, जितने भी रूट कॉजेज हैं वो हमारे को ईजिली विजिबल हों. अभी मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या होती है, उसे कौन यूज़ करते हैं. तो अब हम मैं आगे बढ़ूंगी और मैं आपको समझाऊंगी कि आप अपनी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कैसे क्रिएट कर सकते हो, और आप कैसे ढूंढ सकते हो कि पोटेंशियल कॉजेस क्या हैं अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, राइट. अगर आप किसी प्रोसेस पे काम कर रहे हो तो आप खुद अपनी एक कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्रिएट कर सकते हो. इसके लिए मैंने इस सारे प्रोसेस को बहुत ही ईजी 5 स्टेप्स में बांट दिया है, और साथ में मैंने एक एग्जाम्पल दिया है. अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ जाओगे तो मैं आपको श्योर करती हूँ कि आप अपनी खुद की कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाने के लिए इनफ कैपेबल हो जाओगे. तो हमारा जो पहला स्टेप है वो कहता है कि रीच कंसेंसस ऑन अ प्रॉब्लम टू बी एनालाइज्ड. अब चाहे आप अपनी खुद की कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बना रहे हो या टीम में काम कर रहे हो, तो हमारा पहला स्टेप कहता है कि पहले आप एक कंसेंसस का मतलब होता है कि आप एकमत हो जाइए कि हम किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, या हम किस प्रॉब्लम को सबसे पहले लेना चाहते हैं या रिजॉल्व करना चाहते हैं, या हमारे को कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें सबसे बड़ी दिक्कत कर रही है, ठीक है. तो जो मेरा एग्जाम्पल है यहाँ पर मैंने लिया है मिस्ड रिप्रोडक्शन शेड्यूल्स, कि हमारे जो शेड्यूल हैं वो मिस हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है मेरे को वो ढूंढने हैं, ताकि मैं उनको देख सकूं, उनको फिगर आउट कर सकूं, और मैं ऐसे प्लान्स बना सकूं या कुछ ऐसे प्रोसेसेस प्लेस में ला सकूं ताकि मैं दोबारा से इन शेड्यूल्स को मिस ना करूं.
अब जो हमारा स्टेप टू है वो कहता है कि डिटर्मिन द मेजर कैटेगरीज एंड प्लेस वन इन ईच कैटेगरी बॉक्स. तो इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ जेनरिक कैटेगरीज होती हैं, जनरल कैटेगरीज, जो कि हर प्रोसेस में होती हैं. तो जो मैंने प्रोसेस लिया है उसमें मेरी जो कैटेगरीज हैं वो हैं पीपल, मेथड्स, इक्विपमेंट, एनवायरमेंट, मटेरियल, मेजरमेंट. और आपको मैं बता दूं, यूजुअली ज़्यादातर यही होती हैं, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड, आपका एक प्रोडक्ट बेस्ड प्रोसेस है, सर्विस बेस्ड है. अगर इन केस आपको लगता है कि नहीं आपको कुछ डिफरेंट जेनरिक कैटेगरीज चाहिए तो आप बिल्कुल लगा सकते हो. मैंने पहले ही बोला था कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि आपको इन्हीं में अपने प्रोसेस को फिट करना है, ठीक है. तो अगर आप इस सारी चीज़ को देखोगे ना, तो ये एग्जाम्पल है मिस्ड रिप्रोडक्शन शेड्यूल का. तो ये अगर आप सारे डायग्राम को देखोगे, ये हमें बता रहे हैं पोटेंशियल कॉजेज. और अगर आप इसे प्रोफेशनली कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पे एक डेट मेंशन करते हो और इवन नेम मेंशन करते हो, चाहे तो सारी टीम का या जो टीम लीडर है उसका, कि ये किसने बनाया है, ठीक है. तो थर्ड स्टेप कहता है कि ब्रेनस्टॉर्म पॉसिबल कॉजेज फॉर ईच कैटेगरी. कि आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि क्या हर कैटेगरी के क्या पॉसिबल कॉजेज हैं. कि अगर मैं पीपल की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे क्या क्या इश्यूज मेरे हैं, एंड एंटर देम इन अ फिशबोन फैशन बाय ड्रॉइंग एरोज टू द मेन एरो. अब ये हमारी है मेन एरो और यहाँ पे मैंने रूट कॉजेज निकाले, या मैंने 5 why करके अपने आप से बार बार क्वेश्चन पूछे कि बेसिकली अगर मैं पीपल की बात कर रही हूँ तो वो कौन से इश्यूज हैं जिनके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है. तो स्टेप 4 कहता है कि कंटिन्यू टू आस्क क्वेश्चंस यूजिंग 5 why's. ये टेक्निक्स हैं. 5 why बेसिकली क्या टेक्निक है, एक तरीके से हम क्वेश्चन पूछते जाते हैं, तो 5 questions एक के बाद पूछते जाते हैं, उससे हम कुछ रूट कॉजेज पे पहुंचते हैं कि हमारा ये दिक्कत हमें आ क्यों रही है. एंड सर्च फॉर रूट कॉजेज, इंसर्ट करेक्ट पोटेंशियल कॉजेज टू द वेरियस अदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स. अब मैं कहना इसमें ये चाह रही हूँ कि अगर आपने मान लीजिए पीपल कैटेगरी को चूज़ किया, ठीक है, सबसे पहले मैं सबको चूज़ करूँगी बिकॉज हमारा माइंडसेट ओपन होना चाहिए. जब भी हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाना चाहते हैं तो हमारी जो अप्रोच है वो नैरो नहीं होती, वो बहुत वाइड होती है, ताकि हम हर तरीके से अपने प्रोसेस को देखें, समझें, कॉजेस को समझें, ताकि हम फाइनली अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारा इशू आ क्यों रहा है. तो मैं एक एक करके सबको लूँगी और आपको समझाऊँगी कि कैसे हम इनको फाइंड आउट करते हैं. तो जैसे अगर मैं पीपल की बात करती हूँ तो मैं सबसे पहले सोचूंगी कि मेरी जो टीम है वो कैसी है, कहीं मेरे पास स्टाफ तो कम नहीं है. क्यों, अगर मेरा स्टाफ कम है तो शायद इसीलिए हम अपने शेड्यूल्स मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो बंदे ही इनफ नहीं है कि वो पूरा काम कर सकें. या वो अनट्रेंड तो नहीं है, कहीं मेरा स्टाफ अगर अनट्रेंड है तो ऑब्वियसली अनट्रेंड पीपल को ज़्यादा टाइम लगेगा वही एक काम करने में, फिर वो डिलेज आएंगे. या कन्फ्लिक्ट तो नहीं है, कहीं आपस में ही जो टीम है टीम मेंबर्स में कन्फ्लिक्ट ना हो, या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में तो कहीं कन्फ्लिक्ट नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैं मेजर अपने रिप्रोडक्शन शेड्यूल्स को मिस कर रही हूँ, क्योंकि उनका आपस में ही कोई तालमेल नहीं बैठता है. या उनमें लैक ऑफ मोटिवेशन है, वो काम करने की उनमें कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शेड्यूल को अपने अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते. तो ठीक है, ये मैंने कुछ रूट कॉजेज निकाले अपने 5 why प्रोसेस से, बार बार क्वेश्चन पूछ के कि क्या हो सकता है. ऐसे ही अगर मैं मेथड्स की बात करूँ तो मैं मेथड्स में देखूंगी कि मेजर क्या इश्यूज हो सकते हैं. एक हो सकता है कि कंपनी की पॉलिसी या कैसा काम हमारे वहाँ पे होता है. दूसरा है कि डिलेज क्यों हो रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं या नहीं दी जाती, या हर चीज़ के लिए अप्रूवल चाहिए. दिस मीन्स कि मेरी जो टीम्स काम कर रही हैं उनके पास खुद के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो कोई भी खुद का एक्शन नहीं ले सकते, डिसीजन नहीं ले सकते, उनको हर चीज़ के लिए अप्रूवल चाहिए सीनियर मैनेजमेंट से. तो जब तक वो अप्रूवल आता है वो डिले हो जाता है उनके काम में, जिसके कारण मेरा ये फाइनल प्रॉब्लम अराइज हो रही है. या कहीं जो मेरे
रिप्रोडक्शन मेथड्स हैं वो ओल्ड तो नहीं है, कहीं पुराने मेथड से तो नहीं काम चलता जा रहा, कुछ नया आ सकता है जिससे हम बेटर कुछ कर सकें, या जो वर्क फ्लो है वो बहुत स्लो है, ठीक है। तो इसके सारे ये क्या किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, मेथड्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये मेथड्स में मैं ये वाली प्रॉब्लम्स को ढूंढ सकी या मेरी टीम इन चीज़ों पर आके फिगर आउट कर सकी कि ये कारण हो सकते हैं जिसके कारण हमारा मेजर इशू अराइज हो रहा है, ठीक है। फिर हम आते हैं इक्विपमेंट पे कि हम कैसी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, क्या हमारे पास मैनुअल्स की तो कमी नहीं है, जैसे हर मशीन को चलाने का एक मैनुअल होता है, ठीक है। तो क्या हमारा जो काम हो रहा है कोई मैनुअल है कि वो काम कैसे होना चाहिए, कि फिक्स स्टेप बाय स्टेप उनको बताना चाहिए, या हर बंदा अपना ही खुद का ड्रम बीट कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये हो सकती है कि मेंटेनेंस नहीं हो रही होगी, कि मेरे जो मशीनरी है उसकी मेंटेनेंस ही नहीं हो रही, उसके कारण बार बार क्या हो रहा है, मशीन्स ब्रेक डाउन हो रही हैं। अगर एक प्रिंटिंग प्रेस की बात करिए, या तो कभी कॉपियर ख़राब हो जाता है या कभी प्रेस ख़राब हो जाती है, उसका मतलब ये है कि कोई मैनुअल नहीं है जो बता रहा हो कि मेंटेनेंस कब कब होनी है, कोई फिक्स मेंटेनेंस शेड्यूल्स नहीं है, कोई काम करने के फिक्स तरीके नहीं हैं। तो दिस मीन्स इक्विपमेंट के अंदर मेरी टीम और मैं ये रीजंस को फिगर आउट कर सके कि इसके कारण हो सकता है हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही हो, क्योंकि हमने जब भी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनानी है हमने अपना माइंडसेट बहुत खुला रखना है, हमने हर कॉज को उसके अंदर डालने की कोशिश करनी है, जो जो पॉसिबल कॉज हो जिसके कारण हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फिर आती है एनवायरनमेंट की बात कि अब जो हमारा टोटल वर्किंग एनवायरनमेंट है वो कैसा है, ठीक है। हो सकता है कि मेरी टीम का मोराल लो हो क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम फायर कर रहे हों, तो वो उनको भी डर हो कि हमें भी कभी भी जॉब से हमें निकाला जा सकता है। कॉस्ट कटिंग चल रही हो जिसके कारण उनको प्रॉपर उनकी सैलरीज ना मिल रही हों या सैलरी कट्स हो रहे हों, या जो वर्क एथिक्स हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कंपनी के कोई स्टैंडर्ड फिक्स रूल्स नहीं हैं, जिसके कारण एक टोटल जो टीम का एनवायरनमेंट है जिसमें वो काम कर रही है वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, उसे प्रोफेशनल नहीं है। फिर बात करते हैं मटेरियल्स की। अगर हम मटेरियल्स पे आएँ तो मैं सोच सकती हूँ कि हमारी जो इंक है वो ओल्ड है, तो उससे कारण क्या होता है कि बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, या उसको मे बी ड्राइंग में बहुत टाइम लगता है, तो बहुत इश्यूज़ हैं जो इंक के साथ एसोसिएटेड है, हम उनको भी यहाँ पे ऐसे करके ऐड कर सकते हैं अगर हमारे पास है। या फिर जो हमारा सप्लायर है वो हमें लेट सप्लाईज देता है, दिस मीन्स क्या हुआ कि टीम के पास सप्लाईज ही नहीं है। अब सप्लाईज ही नहीं है तो अपने आप ही वर्क फ्लो स्लो हो जाएगा, तो वो कैसे मीट करेंगे अपनी डेडलाइंस को, और स्टॉक्स भी लो रहते हैं, दिस मीन्स हमारी जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं वो इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो जिसके कारण क्या है कि टीम के पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो अपने शेड्यूल्स को मिस करेगी। तो ये हम सोच पाए मटेरियल्स के लिए। फिर आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, ये सिक्स सिग्मा में आपको हर जगह देखेंगे आप प्रोसेस में। अगर आप किसी प्रोसेस को मेजर नहीं कर सकते, दिस मीन्स आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो अगर मेजरमेंट्स में देखा जाए तो इस सिस्टम में कोई ड्यू डेट्स रखी ही नहीं गई, दिस मीन्स टीम को बताया ही नहीं गया कि आपकी क्या ड्यू डेट्स हैं, आपने कब ये प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, या आपको कब तक ये सबमिट करना है, ये काम पूरा करना है, उनको कोई ड्यू डेट्स नहीं दी गई, कोई शेड्यूलिंग नहीं है। दिस मीन्स मैनेजमेंट की तरफ से कोई शेड्यूल नहीं बनाया कि कौन से फेज़ में कितना काम ख़त्म होना है, और कम्युनिकेशन बिल्कुल ही ज़ीरो है मैनेजमेंट और टीम के अंदर। फॉलोअप्स नहीं है, कोई जो भी आपका बंदा है जिसकी ड्यूटी है कि उसको फॉलोअप करना है कि क्या डेडलाइंस मीट हो रही हैं या नहीं हो रही, दिस मीन्स या तो आपने अपॉइंट ही नहीं किया या वो अपना काम रिस्पॉन्सिबली नहीं कर रहा, ठीक है, जिसे हम इन्विजिलेटर बोलते हैं। फाइनली हमारे कोई डेडलाइंस नहीं हैं, हमारे कोई भी हमें ये बताया ही नहीं जाता। जैसे हम सील अगर हम बोलें कि जैसे हम सेल्स टीम को हम हमेशा टारगेट्स देते हैं, इस टीम को कोई टारगेट ही नहीं है। जैसे सेल्स टीम के टारगेट्स होते हैं मंथली क्वार्टरली ईयरली, कि अगर वो उतना अचीव करते हैं तब उनको इंसेंटिव मिलते हैं, बोनस मिलते हैं, तो यहाँ पे ये पार्ट भी मिस है कि कोई टारगेट्स उनको दिए ही नहीं गए। तो ये सारे पोटेंशियल कॉजेज हैं जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम अपने जो रिप्रोडक्शन शेड्यूल्स हैं उनको मिस कर रहे हैं। अब जो हमारा स्टेप कहता है कि अब जब हमने व्हेन आइडियाज़ और कॉजेज़ के नो लॉन्गर बी आइडेंटिफाइड, अब मैं और मेरी टीम
जितना इस प्रोसेस को ब्रॉड व्यू में देख सकते थे हमने देख लिया, और अब कोई और नए रूट कॉजेस नहीं ढूंढ सकते। तो अब हमने क्या करना है, हमने अपने इस डायग्राम को अच्छे से एनालाइज करना है। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर टीम, प्रोफेशनल टीम्स जो ये करती हैं, तो वो या तो ये बोर्ड पे लिख लेती हैं या वो स्टिकी नोट्स यूज़ करते हैं अपने रूट कॉजेज लिखने के लिए, या जो जो भी कॉजेज उन्हें फाइंड की होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फिर वो अपनी डायग्राम को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, एक बारी वो सारे रूट कॉजेज लिख लेते हैं, उसके बाद वो उनको एनालाइज करते हैं कि कौन से वाले एक्चुअली में प्रॉब्लम कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो उन्होंने सिर्फ लिख ली हैं लेकिन नहीं, जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो ऐसा नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पीपल में जाऊँगी तो मैं देखूँगी कि नहीं, मेरी टीम अनट्रेंड नहीं है, हमारी टीम की, हमारी कंपनी की सबसे पहली पॉलिसी है कि जो भी नए बंदे हायर किए जाते हैं उनको ट्रेन किया जाता है, तो इसको मैं हटा दूंगी यहां से। ऐसे ही फिर मैं देखूंगी कि हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है मेरी टीम में, तो जो हर जो टीम्स हैं उनकी हर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है, और जो हर बंदा है उसके ऊपर एक सीनियर है जिसको उसको रिपोर्ट करना है, तो कॉन्फ्लिक्ट का तो कोई चांस नहीं है। ऐसे अगर मैं मेथड्स में जाऊंगी तो मैं देखूंगी कि अप्रूवल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीम जो है वो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं इसको हटा दूंगी, और इंस्ट्रक्शंस के लिए एक प्रॉपर मैनुअल है मैं उसको भी हटा दूंगी। दिस मीन्स इंस्ट्रक्शंस के कारण डिले नहीं हो रहा। ऐसे ही अगर मैं इक्विपमेंट पे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हमारे पास जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपरली हो रही है, इससे जो मशीनरी ब्रेकडाउन है उसके रीजंस कुछ और है, मे बी मशीनरी पुरानी है, मेंटेनेंस प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उसको हटा दूंगी। ठीक है, तो सेम ऐसे अगर मैं मोराल पे आऊँगी तो मैं कहूँगी कि नहीं, कॉस्ट कटिंग नहीं चल रही और ले ऑफ्स नहीं हो रहे, तो मैं उन रीजंस को हटाती जाऊँगी। और फिर मैं आऊँगी कि मैं देखूँगी कि हमारे जो मटेरियल्स हैं उसमें मैं देखूँगी कि हमारा जो स्टॉक है इन्वेंट्री में हमेशा वो फुल ही रहता है, तो लो स्टॉक प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ही मैं देखूँगी कि ड्यू डेट्स टीम को दी जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि उतने रीजंस रिमूव करने के पास मेरे पास अब ये कुछ बेसिक रीजंस रह गए हैं। अब ये रीजंस पॉसिबली कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम को, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हमें हो रही है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, इन रीजंस के आगे के रीजंस ढूंढेंगे कि इनके वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, एंड फाइनली हम फिगर आउट करेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा रीज़न है जिसके कारण मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। और हम फिर क्या करेंगे, हम एक ऐसा प्रोसेस डिज़ाइन करेंगे जिससे हम वो रीज़न को फिक्स कर सकें। जब हम वो प्रोसेस डिज़ाइन कर लेंगे तो जो हमारा आउटपुट है या जो मेरा टारगेट है कि हम जिसको मिस, जो हमारे रिप्रोडक्शन शेड्यूल हम मिस कर रहे हैं, हम उसे मिस ना करें, हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, ऐसे वेज डिजाइन करेंगे, या क्योंकि वो सिक्स सिग्मा हम कुछ टूल्स यूज करेंगे जिससे हम वो प्रॉब्लम को फिक्स करके अपने इस प्रॉब्लम को ठीक कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम यूज करते हैं अपने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को अपने प्रोसेसेस को इंप्रूव करने के लिए।